नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, तो सारे एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखो उसने क्या कहा है कि एक पैटर्न दिया गया है। तो पैटर्न में हम देखते हैं कि जैसे कि फर्स्ट ये लिखा है 9-1, फिर देखो उसके बाद 9 के बाद नेक्स्ट में आ गया 9-8, फिर 9-8-7, फिर 9-8-7-6, मतलब वो एक संख्या कम होती चली जा रही है। और माइनस में क्या होता है कि एक यहाँ माइनस किया, यहाँ दो माइनस किया, यहाँ तीन माइनस किया, यहाँ चार माइनस कर रहा है। तो ऐसे ही जो आंसर आता है, तो इसमें एक संख्या था तो एक आया, इसमें दो संख्याएं थी तो 1-2, यहाँ पर तीन अंक थे तो 1-2-3, यहाँ पर 4 थे तो 1-2-3-4। तो सिंपल वे में इसमें 6 संख्याएं हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1-2-3-4-5-6, बस आपको यही ढूंढना था इसमें। तो आंसर हो गया 51 का आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या, तो देखो कि एक जो बोतल है उसमें 750 ml जूस आता है, तो टोटल जो यहाँ से हम निकालेंगे तो 6 बोतल में कितना जूस आएगा, 6 × 750, तो मतलब कितना हो गया, 4500 ml, इतना हो गया 4500 ml आया एक कार्टन में। फिर क्या वो कह रहा है कि 450 लीटर ये ml है, और वो क्या कह रहा है, इतने लीटर जूस को, तो एक कार्टन की संख्या पूछा है, तो एक कार्टन में इतना ml आता है, तो उसको कितना बताना है, 450 और एक कार्टन में इतना आता है, इसको लीटर में चेंज कर लेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 आएगा, तो 4.5 से डिवाइड कर देंगे 0 और यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 100, तो 100 कार्टन की आपको ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक आयताकार बक्सा है उसकी आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो हम उसका आयतन निकाल लेंगे, सेंटीमीटर में है तो यहाँ से किसी भी आयतन हो जाएगा। और फिर वो कहता है कि इतने सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने डिब्बे चाहिए, तो सबसे पहले सिंपल वे में ये हमारा टोटल है, हाउ मैनी नंबर ऑफ द बॉक्स, तो यहाँ पर ये हम डिवाइड कर देंगे इससे 432 से, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट इससे डिवाइड करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 361, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करके तब आप डिवाइड करेंगे तो फिर से आपको उस गुणनखंड करना पड़ेगा, तो इसे 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 3 3 2, फिर से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1, कैरी आया 1, 12 कैरी आया 1 4, आप 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ सिंपल आ जाएगा 4361, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए, जैसे कि 1/3 तो कोई बच्चा लिखेगा, 2/6 कोई लिखेगा, 3/9, इसके तो बहुत से आंसर हो सकते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल की ओर अंक संकेत करता है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे तो 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखने के लिए उसने कहा है, तो अंश और हर में समान रूप से भिन्न संख्याओं का गुणा ही करना है और कुछ नहीं उसमें करना है। तो पहला क्या है कि उच्च स्तरीय मांग कार्य और निम्न स्तरीय, क्योंकि दोनों में यही है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये निम्न स्तरीय मांग कार्य है। दूसरा क्या है कि क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है कि निम्न क्यों है, क्योंकि ये रटने की, तो रटना तो नहीं है उसने, लेकिन क्या है कि केवल एक ही एक से बस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 1/3 लिखा है तो कोई 2 से मल्टीप्लाई करेगा, कोई 3 से करेगा, तो ऐसे ही उसको करना है, तो ये एक कोई बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय कार्य नहीं, तो आंसर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं, उदाहरण के लिए ये लिखा हुआ है से बड़ा है, ये जो है 0.50 जो है वो 0.5 से बड़ा है, इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है, क्योंकि वो क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है कि उनमें एक भ्रांति है कि यहाँ से जो है कि 0.50 लिख दिया और 0.5
पाँच, तो ये कहेंगे कि ये ग्रेटर है, तो ये भ्रांति और कुछ नहीं है, शून्य की सार्थकता है वहाँ पर नहीं है दशमलव में। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह गतिविधि है। तो यह गतिविधि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, बिल्कुल सही है। लेकिन आगे भी देखते हैं कि शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समय समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना, तो इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे कि वैन हिले का ज्यामितीय विश्लेषण आया है। तो वैन हिले का जो हमारे पास हमने डिस्कस किया है वैन हिले के बारे में एक लेक्चर में, और तो ज्यामिति विचार के जो है उनके स्तर होते हैं, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, तो उसमें इसने पूछा है चाक्षुषीकरण विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं, वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। ये वैन हिले का ज्यामिति विचार किस स्तर का है, तो देखेंगे कि यहाँ पर बच्चा जो है इस क्वेश्चन में, वैसे तो आंसर आपका जो आया था वो चाक्षुषीकरण है, लेकिन इसमें जो है विश्लेषण भी इसका जो है करेक्ट आंसर लगता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे कि ये क्या है, तो इसमें वैसे बोर्ड ने इसमें जो आंसर शीट है तो उसमें चाक्षुषीकरण ही इसका आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसमें सीखने को प्रभावित कर रही हैं। तो क्या है कि अगर उसको घड़ी में देखने में उसको बड़ी छोटी सुई नहीं दिख रही है तो उसका चाक्षुष कमजोर चाक्षुष प्रकरण है, ना कि उसका कोई गणित कौशल है, ना शाब्दिक है, ना उसमें भाषा प्रक्रमण है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है कि उसमें जो है देखने का कुछ कमजोर है। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम कर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह केंद्रित होती है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, ना कि नियमित गृह कार्य जमा करना, ये भी नहीं है 2005 में, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना ये भी नहीं है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, छोटे बच्चों में ये प्रभावी नहीं होता है व्याख्यान और अनुदेशन। तो उसमें क्या होता है कि गणितीय गतिविधि में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, यही उसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित बिंदियों का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले एरे आरेख हैं, ये 15 को प्रदर्शित कर रहा है, 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीके को किस संकल्पना के पढ़ाने के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या है कि जो ये दिया गया तरीका है वो दो संख्याओं के गुणों को बढ़ाने की संकल्पना पर आधारित है, जैसे कि दो संख्याओं का एक संख्या में प्रदर्शन गुणन का जो होता है तो वो बताया गया है। वैसे ही इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। पहला जैसे उसने कहा कि दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति उसमें नहीं पूछा गया है, ये दूसरा कट हो गया। गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल और इसमें गुणन की संचयी प्रकृति नहीं है, ये गलत है। लास्ट देखते हैं दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करना, सही है। गुणन की संचयी प्रकृति बिल्कुल सही है, गुणक, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आयत के क्षेत्रफल के बारे में तो नहीं बताया जा सकता है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।